हेलो, कैसे हैं आप? आज का वीडियो भारतीय संविधान की प्रश्नोत्तरी पर रहेगा। जी, भारत का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसके ऊपर प्रश्न हमारे मन में होने चाहिए और इनके उत्तर भी हमें आने चाहिए। तो मेरे अनुसार तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या एक, किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी, पहला प्रश्न है, किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, या फिर 2 अक्टूबर को? तो क्या आप इसका जवाब जानते हो? इसका सही उत्तर है क, 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माता कौन हैं? संविधान निर्माता कौन हैं? क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, घ, महात्मा गांधी। क्या आप जानते हो कि संविधान निर्माता कौन हैं? संविधान निर्माता, वो संविधान निर्माता जो कि जब अपने बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो अध्यापक उनको कक्षा से बाहर बिठाते थे। क्यों? क्योंकि उनको अछूत समझा जाता था। वो ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे चलकर बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ इन्होंने हासिल की और बाद में चलकर भारत के संविधान के निर्माता बने। जी, ग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सलाम इनको। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद थे? जी हाँ, इतना बड़ा संविधान तो उसमें भाग भी होंगे, अनुच्छेद भी होंगे। ऑप्शन ए रही आपके सामने, क, 22 भाग 395 अनुच्छेद, ख, 20 भाग 390 अनुच्छेद, ग, 21 भाग 394 अनुच्छेद, घ, 19 भाग 397 अनुच्छेद। तो आपके अनुसार इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है क, 22 भाग 395 अनुच्छेद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। संविधान सभा की कितनी बड़ी समितियां थीं? बड़ी समितियों की बात कर रहा हूं, अन्य समितियां और भी थीं जो कि अलग थीं। क, 7 समितियां, ख, 8 समितियां, ग, 9 समितियां, या फिर घ, 10 समितियां। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? इसका सही उत्तर है 8 समितियां। अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 5, संविधान के कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे? तो ऑप्शन ए रही आपके सामने, क, 15 अनुच्छेद, ख, 16 अनुच्छेद, ग, 250 अनुच्छेद, या फिर घ, 395 अनुच्छेद। ध्यान रखिएगा,
26 नवंबर 1949 की बात कर रहा हूँ, उसी दिन ये अनुच्छेद जो थे लागू कर दिए गए थे, बाकी बाद में लागू हुए थे। तो जवाब है 15 अनुच्छेद, जी क 15 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया था तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी, सोचिए। ऑप्शंस ए रही आपके सामने, क 10 अनुसूचियां, ख 7 अनुसूचियां, ग 8 अनुसूचियां, या फिर घ 9 अनुसूचियां। तो आपके अनुसार कितनी हो सकती हैं? तो इसका सही उत्तर है 8। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या जो कि 7 है वो क्या कहता है? संपूर्ण संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? इतना बड़ा संविधान भारत का लिखा गया तो आपके अनुसार कितना समय लगा होगा? तो क 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ख 2 वर्ष 12 महीने 12 दिन, ग 12 वर्ष 11 महीने या फिर 2 दिन, घ 11 वर्ष 12 महीने 18 दिन। कितना समय लगा, सोचिए। इसका सही जवाब है क 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 8। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, या फिर गुजरात से। आपको पता है गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। महाराष्ट्र की मुंबई, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान में निहित भावनाएं किस देश से ली गई हैं? क अमेरिकी संविधान से, ख ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ग आयरलैंड के संविधान से, या फिर घ जापान के संविधान से। तो आपको क्या लगता है? भावनाएं जो कि भारतीय संविधान में निहित हैं किस देश से ली गई होंगी? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 10। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार जिनकी संख्या 6 है, आपको मेरे अनुसार जानकारी रही होगी। तो ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ख ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ग कनाडा के संविधान से, या फिर घ आयरलैंड के संविधान से। आपको क्या लगता है किस देश से लिए होंगे? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री, वर्ल्ड पावर नंबर 1, वो है क अमेरिका के संविधान से। जी हाँ, इसका सही उत्तर है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में लिखित
नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, ख जापान के संविधान से, ग ब्रिटिश संविधान से, या फिर घ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपको क्या लगता है जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं और मौलिक अधिकारों के बारे में हमने जाना। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से और नीति निदेशक सिद्धांत लिए हैं आयरलैंड के सिद्धांत से। अगला प्रश्न जो कि थोड़ा लेंथी है, सुनिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रेखांकित शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ऑप्शन है आपके सामने 40वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ख 41वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ब या फिर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो कि 1976 में संशोधन किया गया इसके आधार पर है, घ 49वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है घ 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के आधार पर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न संख्या 13। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? तो क है एक प्रकार का, ख तीन प्रकार का, ग पांच प्रकार का, या फिर घ दो प्रकार का, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। सोचिए जरा क्या जवाब होना चाहिए। नहीं पता, मैं ही बता देता हूं। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है घ दो प्रकार का, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है या किया गया है? क अनुच्छेद 15, ख अनुच्छेद 16, ग अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। किस अनुच्छेद के तहत? मेरे अनुसार आपको जानकारी है, अगर जानकारी नहीं है तब भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये तो मेरा काम है। अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 20 में, 21, 22 या फिर 25 से 28 के अंतर्गत? सोचिए जरा क्या जवाब होना चाहिए। अनुच्छेद बहुत हैं तो ये दिमाग में घूम रहे होंगे। तो इसका सही जवाब है 25 से 28 के अंतर्गत। तो आपको इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न संख्या 16। भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो मैंने यहाँ पर किसी अनुसूची में लिखा हुआ है, तो किस अनुसूची में है यह क्वेश्चन है। तो क प्रथम अनुसूची में, ख द्वितीय अनुसूची में, ग तृतीय अनुसूची में, घ चतुर्थ अनुसूची में। तो जहाँ पर मेरी जानकारी है कि हो सकता है कि आप
इस प्रश्न का उत्तर जानते हो तो इसका सही जवाब है क, प्रथम अनुसूची में। जी अगला प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। जो 22 भाषाएं हैं ना, तो उनका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तृतीय, चतुर्थ, सातवीं या फिर आठवीं। तो ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है घूमता रहता है एग्ज़ाम में। एक जो मैंने आपको अस्पृश्यता वाला बताया था वो भी घूमता रहता है, आता रहता है एग्ज़ाम में बार बार। और ये जो 22 भाषाओं वाला है ये भी ज़्यादातर घूमता रहता है। तो इसका सही जवाब है ख, आठवीं अनुसूची में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न संख्या 18। किस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सातवीं, आठवीं, दसवीं या फिर ग्यारहवीं। वैसे तो सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं मेरे अनुसार, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो क्या आपको इसका जवाब पता है? तो अगर नहीं है पता तो मैं ही बता देता हूँ आपको। तो इसका जो जवाब है वो है 11वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 घ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न संख्या 19। भारतीय संविधान के निर्माण कार्य पर कितने रुपए खर्च हुए। ऑप्शन है 50 लाख रुपए, ख ऑप्शन है पैसा बिल्कुल नहीं लगा, ग 1 करोड़ रुपए, घ 63,93,729 रुपए। सोचिए जरा भाई, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि पैसा नहीं लगा हो। पैसा तो लगेगा, तो इसके लिए पैसा लगा था 63,93,729 रुपए, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान से पहले कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। तो ये संविधान बनने से पहले है, तो कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। क है 1 भी नहीं, ख 10, ग 20 या फिर घ 60। अब देखिए क्वेश्चन ही बहुत ज़बरदस्त है कि भारतीय संविधान बनने से पहले कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी घ 60 देशों का। तो इतना बड़ा संविधान बनाने के लिए बहुत सारे संविधानों की जरूरत तो पड़नी ही थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा किन्हें दी जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या फिर ख सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब है, आप समझ गए होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान का पिता भी है, आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय संविधान में कुल मौलिक जो अधिकार हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार जो कि 6 लिखे गए हैं, ये अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे जो कि 6 हैं, ये किन अनुच्छेदों के तहत आते हैं। क है अनुच्छेद 2 से 10, ख अनुच्छेद 12 से 35, ग अनुच्छेद 25
25 से 51 या फिर घ अनुच्छेद 100 से 132। जो ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं उनको इसका जवाब तो पता ही होगा, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इसका जवाब बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि है ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, संविधान में लिखित 6 मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? अभी भाग भी पूछ रहा है, क तृतीय, ख चतुर्थ, ग पहले, घ दूसरे। तो आपके अनुसार इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, तृतीय। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है? ध्यान रखना है कि भाग की बात की जा रही है, मौलिक अधिकार किस भाग में बताए? तीसरे भाग में, और जो अनुच्छेद हैं वो है 12 से 35 तक। अगला प्रश्न जो मैंने पूछा वो है नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो इसका सही उत्तर है भाग 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 25। संविधान में लिखित नीति निदेशक सिद्धांत किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? नीति निदेशक सिद्धांत, तो ऑप्शन है 5 से 10, अनुच्छेद 10 से 20, अनुच्छेद 36 से 51 या फिर 52 से 72। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर 3, ग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए? तो उसका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 92 में, 52 में, 72 में या फिर अनुच्छेद 82 में? तो इसका सही उत्तर है 52 में, अनुच्छेद 52 में, ख। अगला प्रश्न, धन विधेयक जिसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? तो धन विधेयक की बात की जा रही है, तो जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक है, तो हमारे पास विकल्प रहेंगे अनुच्छेद 110 में, ख अनुच्छेद 111 में, ग अनुच्छेद 112 में या फिर घ अनुच्छेद 113 में। तो आपके अनुसार ये जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? तो इसका उत्तर है क अनुच्छेद 110 में। जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 28। किस अधिनियम के तहत RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो ये आपके मतलब आजाद होने से पहले की बात है। तो ऑप्शन है 1919, 1918, 1935, 1937। तो इसका सही उत्तर रहेगा, सोचिए, ग 1935। अगला प्रश्न है कि नवीन संविधान के निर्माण तक किस अधिनियम के अनुसार शासन चलता रहा? तो ऑप्शन है क शासन अधिनियम 1935 ईस्वी, ख 1919 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम, ग 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या फिर घ
1892 का भारत शासन अधिनियम किसके तहत चलता रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, शासन अधिनियम 1935। जी, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्य कौन थी? तो क है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ख श्रीमती हंसा मेहता, ग श्रीमती दुर्गाबाई, या फिर घ क ख ग, तीनों। आपको क्या लगता है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ये तीनों प्रमुख महिला सदस्य रही थीं। तो इसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती हंसा मेहता और श्रीमती दुर्गाबाई तीनों हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा का विकास कितने चरणों में हुआ? ऑप्शन है एक चरण में, दो चरणों में, तीन चरणों में या फिर चार चरणों में। तो आपको क्या लगता है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ग, तीन चरणों में। तीन चरणों में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी कहाँ से निर्वाचित थे? के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य, तो ऑप्शन है असम से, ख मुंबई से, ग मद्रास से, घ महाराष्ट्र से। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी कहाँ से निर्वाचित थे? तो सही उत्तर है बंबई से, ख आजकल जिसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या कोई नहीं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? मुझे लगता है आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल जानते भी होंगे। इसका सही जवाब है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 34। किस अधिनियम के द्वारा भारत अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश दास्ता से आजाद हुआ? इस अधिनियम के तहत पूछ रहा हूं। ऑप्शन है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ख है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ग 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर घ 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। नहीं पता, मैं ही बता देता हूँ। इसका सही जवाब रहेगा घ 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति, तो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति? लेकिन उत्तर क्या रहेगा? पहले प्रधानमंत्री जो रहे, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ख जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू, कौन हो सकते हैं जरा सोचिए। तो इसका
सही उत्तर है क, डॉक्टर भीमराव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 37। किसके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था? पहला प्रारूप क, बी एन राव द्वारा, ख, बी आर अंबेडकर द्वारा, ग, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या फिर घ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इसका सही उत्तर रहेगा क, बी एन राव द्वारा। जी, ऑप्शन क, बी एन राव द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन क, 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति की बैठक कब हुई? जो प्रथम बैठक की बात कर रहा हूँ, क 30 अगस्त 1947 को, ख 30 सितंबर 1947 को, ग 30 अक्टूबर 1947 को, घ 30 नवंबर 1947 को। तो जैसा कि पिछला जवाब रहा हमारा क, उससे पिछला भी क था, तो इसका जवाब भी क ही है, 30 अगस्त 1947 को। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 40। ठीक है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना है संचालन समिति। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख जवाहरलाल नेहरू, ग सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतवर्ष के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। घ जे बी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? संविधान तो बन गया, अब लागू कब किया गया? ध्यान से उत्तर दीजिएगा। क 15 अगस्त 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, ग 26 जनवरी 1950 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जवाब है ग, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो संविधान हमारा बन गया, उसको लागू किया गया, तो उसके ऊपर दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2015 से, 2016 से, 2017 से, या फिर घ 2018 से। क्या आप इसका जवाब जानते थे? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सही उत्तर है क, 2015 से। क्यों? क्योंकि इसी साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इसी को याद रखने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए 2015 से
भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 43। प्रथम चरण में किसके द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ख बी आर अंबेडकर, ग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक चर्चा हुई? तो संविधान लिखा जा रहा था तो चर्चा तो होनी ही थी, तो कितने दिनों तक चर्चा हुई इस प्रारूप के ऊपर? ऑप्शन है 100 दिनों तक, 110 दिनों तक, 114 दिनों तक या फिर 124 दिनों तक। तीन तो गलत हैं, एक ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग, 114 दिनों तक। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका जो कि संविधान की है या प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? जिसकी बात की जा रही है उद्देश्य प्रस्ताव की, तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, या फिर 13 दिसंबर 1946 को, द 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, तो सही उत्तर रहेगा 13 दिसंबर 1940, ऑप्शन ख। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है? ऑप्शन है प्रथम, पंचम, सप्तम या अष्टम। तो कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो सही उत्तर है सातवीं यानी सप्तम। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की सदस्यता किसने अस्वीकार की थी? ऐसा कौन हो सकता है जिसने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए ही मनाही कर दी? हो सकता है कोई कारण रहा हो, हम ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। क जी वी मावलंकर द्वारा, ख डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा, ग बी एम मित्र द्वारा या घ तेज बहादुर सप्रू स्वास्थ्य के आधार पर तथा जय प्रकाश नारायण। तो थोड़ा सा आपको लग भी रहा है उत्तर यही है, घ तेज बहादुर सप्रू स्वास्थ्य के कारण तथा जय प्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के सदस्य मुहम्मद सादुल्ला कहाँ से निर्वाचित थे? मुहम्मद सादुल्ला जो कि प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं, कहाँ से रहे हैं? हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, असम से, मुस्लिम लीग से या फिर महाराष्ट्र से? सोचो। तो जवाब रहेगा ऑप्शन ग, असम से, ये मुस्लिम लीग से थे। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 49th, संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 156 में, 256 में, 356 में या फिर इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है। क्या आपको लगता है इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई होगी? नहीं,
की गई है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 256 में, यानी कि विकल्प नंबर ख दो। तो अगला प्रश्न है, भारतीय समाजवाद किसका मिला जुला रूप है? क मार्क्सवाद, ख गांधीवाद, ग क और ख दोनों, घ केवल क। तो आपको क्या लगता है, गांधी जी भी हमारे देश में रहे हैं, काफ़ी लोग उनकी विचारधारा पर चलते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा क और ख दोनों, यानी मार्क्सवाद और गांधीवाद। अगला प्रश्न 51, तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, किंतु 44वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी खत्म कर दी गई है, अब नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने 6, 7, 4 और 5। तो आपको क्या लगता है कितनी होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 6।